फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजू और आज है 8th of August, सैटरडे है दिन और सुबह के बज रहे 10। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और यहां मैं कपड़ों को पसार रही हूं। साइड में कर दिया है स्टैंड को और बारिश भी हो रही है तो मैंने सोचा कपड़ों को पसार देती हूं, ज़्यादा छींटे आएंगी तो फिर अंदर कर दूंगी। तो सोची सुबह का काम जल्दी से कंप्लीट कर लूं। और ये देखिए, आपको पता ही है कि मेरा बालकनी का क्या हाल हो जाता है जब ज़ोरों की बारिश होती है। तो वही मैं नाली के जाली को हटा रही हूँ ताकि पानी अच्छे से जाए, नहीं तो ये सीधे मेरे हॉल में, लिविंग एरिया में चला जाता है इसी की वजह से। और देखिए, देखते देखते और गजब की ज़ोरों की बारिश होने लगी है। अब ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो चुका है और आप जैसा देखें कि कपड़ा भी धुल गया था तो मैंने उसको पसार दिया है और फिर से मैंने एक स्लॉट लगा दिया है मशीन में। और फिर मैं आ गई हूँ अपना बेडरूम का बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना। तो फिर जब तबीयत थोड़ी अच्छी लगती है तो लगता है कि थोड़ा सा घर को ठीक कर लूँ, फिर खुद को ठीक करूँगी। तो इसके वजह से मैं पूरे अच्छे से बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, और आपको ओवरऑल लुक भी दिखाऊँगी कि मैंने कैसे थोड़ा सा चेंज किया है। ऐसे सब कुछ तो पहले जैसा ही है। तो फ्रेंड्स, अब साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ फेस पैक लगाने के लिए। तो कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए स्टार्टिंग से नहीं दिखा पाई, लेकिन आपके साथ मैं शेयर करूँगी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये बनाया है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है यदि मैं इसकी अच्छे से केयर नहीं करती हूँ, तो इसके लिए मैंने फेस पैक बनाया है। तो चलिए, अब नहाने से पहले मैंने फेस पैक अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने से पहले एक जो भी है पुरानी सी टॉवेल एक रख लिया ताकि टी शर्ट मेरी ख़राब ना होवे। तो चलिए, अब फेस पैक लगा लिया और देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है, चूँकि ये फुल ऑफ ड्राई स्किन के लिए है। तो यदि आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप इस फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पे फेस पैक बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल, उसके बाद इसमें डाला है मैंने 1/2 टीस्पून बेसन, यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई 1/2 टीस्पून ली है, जिसको मतलब दूध में जो मलाई निकलती है, 1 पिंच हल्दी, उसके बाद 1/2 टीस्पून यहाँ पे शहद लिया है, हनी, ये डाबर का है, आप कोई भी हनी यूज़ कर सकते हैं। और सारे चीज़ों को मिक्स करने के लिए मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया और अच्छे से इसको मिक्स करके फेस पे अप्लाई करके 10 मिनट तक छोड़ दिया। उसके बाद चली गई मैं शावर लेने, और शावर लेने के बाद यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप इसको 10 से 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें, और यदि ठंडे का दिन है तो गर्म पानी से, गर्मी का दिन है तो ठंडे पानी से। इस तरीके से अप्लाई कर लिया है और अब आ गई हूँ मैं शावर लेकर के। तो ये टोनर मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, इसके बाद क्रीम अप्लाई करूँगी और बस इसी तरीके से मेरा आज का जो है रूटीन कंप्लीट हो चुका है मॉर्निंग का।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज मैंने अच्छा फील कर किया, अपने रूम को भी अच्छे से थोड़ा बहुत डेकोरेट किया, साफ़ सुथरा किया और थोड़ा सा शावर वगैरह लिया, फेस पैक वगैरह लगाया, तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने इयररिंग्स और चेन वगैरह खोल करके हॉस्पिटल गई थी, तो इसलिए फिर से आज मैंने पहना है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बहुत ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और फिर मिलती हूँ मैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी अपने वीडियो को डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं, बाय बाय।